What's up? Welcome back to my channel, which is Alisha Sood. Anyways, guys, just wanted to tell you, vlogger होना is not that easy thing. पता है क्यों? Because daily life vlogs डालते हो, आपको हर एक content show करना होता है. अभी क्या हुआ? सड़क पे मेरे को बड़ा मस्त वाला content मिला था, तो एकदम होता ना, एकदम wow वाला content. But I couldn't shoot it because जाम लगा हुआ था. As usual, हमारा पूर्णिया famous है और लखन चौक तो उसमें और ज़्यादा टॉप क्लास फेमस है जाम लगने के लिए. तो आई कुडंट शूट इट, बट देर वॉज समथिंग वेरी नाइस कॉन्टेंट विच आई विल बी टेलिंग यू लास्ट में. बहुत मज़ेदार था. फिलहाल के लिए वेलकम बैक टू माई चैनल एंड दिस इज मी अलीशा. वेलकम बैक टू माई चैनल. ओह माई गुडनेस, कितना शेप लग रहा है. सीरियसली मारोगे तुम लोग. एनी वेज, आज है थर्सडे. मम्मी को आई हूँ मैं गुरुद्वारा छोड़ गया और मैं अभी गुरुद्वारा जाऊँगी लेने के लिए. हर थर्सडे मेरी मम्मी गुरुद्वारा जाती है, सो आई एल बी गोइंग देर. एंड आज गुरुद्वारे में बना है पकौड़ा, सो आई एल बी गोइंग एंड ईटिंग एंड तुम सबको मैं जलाऊंगी. जस्ट इन केस तुम लोग रात को ये वीडियो देख रहे हो और तुम लोगों का आज पकौड़ा चाय खाने का मन था और किसी वजह से तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें दिया नहीं, तो तुम जलना, जल जल के मरना. नहीं मरना नहीं, आई डोंट मीन इट. हे गाइस, वेलकम बैक. आप सोच रहे हो इतना ये नौटंकी करके क्या कर रही हो. एक्चुअली आज है फाइनली खुशबू की शादी एंड फॉर हर मैरिज आई एम गेटिंग रेडी. मेकअप कर रही हूँ एंड खुशबू आप लोग में से अगर बहुत लोग नहीं जानते तो मेरे बर्थडे व्लॉग में आपको दिखी होगी. शी इज़ द वन, मेरी कलीग है, मेरे साथ स्कूल में पढ़ाती है. सो आई एम गेटिंग रेडी. ब्लॉग में आज एक फ्रेश शूट कर रही हूँ. इवन दो देर आर सो मेनी ब्लॉग ऑलरेडी शॉट इन द बैक, बट दे आर ऑल रिलेटेड विद कीकी. एंड एज यू ऑल नो दैट आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट हर. आई डोंट फील लाइक शेयरिंग हर एनीथिंग राइट नाउ. अभी आई एम नॉट इन द स्टेज बिकॉज बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ, कैसे हुआ. कुछ लोग ऐसा भी बोल देते हैं कि क्या आपने उसका केयर नहीं किया. You don't know what happened and you don't know क्या हुआ and you don't know कैसे क्या हुआ. So इसलिए I don't want to share. अभी जब मैं state of mind में रहूँगी वैसे तब मैं share करूँगी. So far friend की शादी है और अपने mind को divert करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए I am going to participate in the marriage. And मैं मेरे एक friend की शादी में आई हूँ. तबू खुशबू, खुशबू जी इधर देखिएगा. कुछ बताइएगा अपने एक्साइटमेंट के बारे में. कोई एक्साइटमेंट नहीं, बाप रे डर लग रहा है. सोच लो, डर लग रहा है. डर लग रहा है. आरती मैम, अभी प्रिया जी सोशल लाइफ पे क्लास लेने जा रही हूँ. ये मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे, तो इसके थ्रू जो भी सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पे आए हो इनका दर्शन कर लो. ये इस फोन से तुम लोगों को फोन करके बोल रहा है मुझे सब्सक्राइब करने, तो जो भी सब्सक्राइब करके मेरे चैनल पे आ रहे हो तो तुम इनकी बदौलत आए हो, तो लाइक ठोको. आज संडे है तो मम्मा के साथ मैं आई हूँ थोड़ा बहुत सामान लेने. शी डजंट वांट टू बी ऑन द कैमरा बट नो प्रॉब्लम. हम लोग कब देख रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कौन सा लूँ. मुझे एक्चुअली ये पसंद आ रहा है, शो यू जाए. मुझे ये वाला पसंद आ रहा है, इस ये वाला डिज़ाइन. बट अगर मतलब मेहमान पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, जो घर में गेस्ट आता है, तो दिस इज़ द परफेक्ट साइज़. छोटा है, ये भी क्यूट है. आई एम जस्ट वंडरिंग कौन सा ले, बट आई थिंक आई विल गो विद दिस बिकॉज इस टाइप के एस्थेटिक डिज़ाइन वाले बहुत हैं हमारे पास में, है ना. ये भी प्यारा है ना, थोड़ा पुराना रेट्रो टाइप का है, पुराने स्टाइल का है, छोटू सा. हाँ थोड़ा डिफरेंट है, क्यूट है. मतलब आजकल लोग मज़ा ऐसा लेते नहीं. ये कॉफ़ी मांगे, प्रॉपर कॉफ़ी मांग पे छोटा छोटा. बट दिस इज नाइस. अभी आप बताओ, बहुत कुछ है यहाँ पे लेने के लिए. मैंने सोचा हुआ है यहाँ का एक पर्टिकुलर व्लॉग बनाऊँगी, मौका नहीं मिल रहा है करूँगी. क्योंकि आ गई थी तो नहीं कर पा रही थी, चली भी गई वो. बट देखते हैं, मम्मा स्ट्रेनर देख रही है चावल वगैरह के लिए, सब्जी वगैरह धोने के लिए. सब्जी रख के धोने के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है ये. बट दिस वन आई बिलीव इसमें वाटर वेस्ट ज़्यादा होता है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू. मैं पसंद है and still thinking कौन सा. and but guess what, these cups are like for 100 rupees only. ये ज़्यादा प्यारा है,
हैंडी है, मस्त भारी है। सो फाइनली वी आर गोइंग फॉर दिस वन। इस मम्मी का मुंह देख लो, नहीं ये प्यारा प्याजी कलर इज ऑल्सो प्यारा, सभी प्यारे पैर उठाए जा रहे हो, ये वाला सही है। नहीं चाय छन्नी मम्मी आप लोगों का प्यार भी यहाँ पे बेलन बिहार में तो बंद है, लेके क्या फायदा। दिस वन ना दिस इज ब्यूटीफुल especially with this gold plated yahan pe jo hai na stylish is this, you see this beautiful oh my god yahan pe ye bhi bahut acche acche pyare pyare hain see background ke liye to mere paas jinda jinda flowers hai ye sab kya cheez hai so this is kind of looking like this and me so I'm thinking ki ye wala le lu mujhe pyara lag raha hai so most probably I'll be going for this बट लेट मी शो माई मॉम दिस वन फर्स्ट। मम्मी ये देखो तो कैसा लग रहा है, चेहरे पे खिला ना ऐसे। मम्मी को ये उतना पसंद नहीं आया बिकॉज ऑफ दिस कॉर्नर, बट मुझे अच्छा लग रहा है तो मोस्ट फ्रेंडली आई विल गो फॉर दिस बिकॉज अपने पास कूपन है 500 रुपये ऑफ होगा तो आई विल गो फॉर दिस, एक माल फ्री का होगा। सो आई एम गोना बी ट्राइंग द सेकेंड वन एंड विल शो यू इन लाइक दिस and this. So this is the other one. Just look at it. Wait. So this is the another piece. Looking like very decent, which I'm not, but it's still. I think I like it. Sober and soft color for summers. Oh. And this is the second one. This is the one. Let me know guys whether this one is looking nice on me or not, but I think I'm gonna be buying this because this one is quite decent and I am in love with this color. This is my favorite color, this is my favorite color, so I'll go for this. And this is the last one which I wore and I don't think I'm liking it. Pasand nahi aa raha mujhe utna khaas nahi hai, matlab doesn't suit my personality at all, so probably I will not be going with this one. No, big no. So it's Saturday evening and I came to buy some art. I bought this kambal for home, ek blanket liya hai, this very Vishal Mega Mart se, and mujhe sath mein pata kya mila, do maggi free mili hai. I'm very happy. So aaj ghar mein Saturday night hai तो आज अपन सैटरडे नाइट में फ्री का मैगी खाएंगे। यस फ्री का मैगी खाएंगे एंड अपन अपनी गाड़ी चला के घर जाएंगे। पीछे में मेरे बच्चे, मेरे से एक बच्चा बलून बोल रहा खरीदने। टू बी ऑनेस्ट आई प्रेफर गिविंग देम समथिंग टू ईट, आई डो नॉट प्रेफर गिविंग देम सम मनी। अभी लिटरली आई डोंट हैव चेंज, आई बॉट थिंग्स फ्रॉम माई जीपे। डोंट नो हाउ टू हेल्प दिस पीपल बट कैन डू एनीथिंग। So this is the child. I feel sorry for him, but I think I can give him something, which I am not gonna show here. So I am gonna give him. It's a chocolate. So in case you guys wanna see what I bought from Vishal Mega Mart, is these chana dal and this sorry chana and this white urad ki dal liye maine. Ye. और ये दो मैगी मुझे फ्री मिला बिकॉज मैंने 2500 से ऊपर की शॉपिंग की थी। दिस इज़ नॉट मैगी एक्चुअली नूडल्स। एंड ये ग्लव्स लिया है और दो पेयर ऑफ सॉक्स लिए हैं विच इज़ दीज टू। ये दो पेयर ऑफ सॉक्स लिए मैंने एकदम सिंपल डिज़ाइन। एंड जो लास्ट चीज़ है वो है ब्लैंकेट जो मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। फर्स्ट पापा जो ब्लैंकेट ले रहे हैं इसको वी विल रिमूव इट एंड देन वी विल बी गिविंग द न्यू वन टू हिम। सो दिस इज़ द ब्लैंकेट विच वी बॉट। ये रहा, isn't it beautiful? And मुझे ये मिला 2500 का। So this is the blanket.
दिस इज द ब्लैंकेट, बहुत सुंदर है। पापा लग रहे हैं खुश। कैसा है पापा? एंड इसका ये डिज़ाइन है, मुझे इसके बॉर्डर्स बहुत प्यारे लगे एंड द डिज़ाइन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आई मीन आई फेल इन लव एट फर्स्ट साइट राइट आफ्टर वॉचिंग, सो आई बॉट दिस। सो शॉपिंग सॉर्टेड, नाउ गोइंग टू हैव सम फूड, बट उससे पहले लेट मी चेंज। Do you know what I'm having right now? This is paneer ka paratha. And this green green is not chili. वो जो हरा वाला प्याज होता है ना, ये उसके पत्ते हैं। And इसका टेस्ट मजा नहीं लाइफ। Good morning guys, what's up? Welcome back to my channel. In case you guys are wondering what I'm doing, it's morning time. Mama ne diya mujhe chai, and I'm showing off my new socks, jo ki main kal bhi mart se lekar ke aayi, matlab Vishal Mega Mart se. So I'm just showing it off. Dekh lo, ho gaya, work ho gaya, na? So I'm just having this tea and biscuit, jo bed time pe milta hai except for Sunday ko. Otherwise, baaki din dekh lo. I'm in love with this. जब मम्मी चाय बना के पिलाती है। So this is what I'm having in the breakfast, which is omelette and bread. And मैंने जो omelette बनाया है, वो जो प्याज का लंबा लंबा green वाला प्याज होता है ना, उसके लंबे लंबे स्ट्रिंग वो जो होते हैं, जो भी होती है, उसको कट करके वो इसमें डाला। टेस्ट अमेजिंग। अभी विंटर सीजन, अभी वो जो प्याज मिलता है ना गाइज, जस्ट ट्राई इट आउट। वो कच्चा वाला क्या बोलते हैं उस प्याज को पापा? कच्चा प्याज ना, हरा प्याज, हरा प्याज का वो छिलके, उसको कट करके इसमें डालो, एक चिली दो, थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर, नमक, एंड मेक इट, इट्स डिलीशियस। मैं शूट करने का सोच रही नहीं थी, लेकिन मैंने कर लिया। आपको कैसा लग रहा है पापा? कैसा लग रहा है ये ऑमलेट ब्रेड? मस्त है ना? हाँ, अभी ब्रेकफास्ट खा रही थी, अंडा और ब्रेड, और अभी तुरंत यहाँ पे आ गया वीडियो। क्या करूँ यार, बीच में जो भी कर रही थी आई कुडंट शो यू। एक्चुअली बीच में व्हाट आई वाज डूइंग, कि जो नया ब्लैंकेट रात को लाई हूँ दिस वन, इसको तेल लगाया रखा एंड थोड़ा अपना रूम समेटा, बिकॉज मेरे रूम का जो टेबल है ना, पूरे जो वीक में जो स्कूल से आ रही होती हूँ ना, आई जस्ट ओपन माई क्लोथ्स एंड वो तो खोल के रख देती हूँ धोने के लिए, लेकिन जो दूसरे क्लोथ्स होते हैं ना, हीप ऑफ क्लोथ्स, जो सुबह पहन के जाती हूँ, ठंड में मेट से धुलवाते हैं, मैं नहीं धो सकती कोविड के बाद तो, और ज़्यादा नहीं, तो हमेशा कपड़ों का हीप जमा करना इज़ नॉट गुड। वॉट आई डू कि मैं जो घर पे अभी पहन रही हूँ, आज दो दिन मैं उसको पहनती हूँ, तो वो वहाँ पे पड़ा रहता है, तो सेम डे पे नहीं पहन के नेक्स्ट डे पहन लेती हूँ, और एक मिक्स मैच करती हूँ, तो हीप ऑफ क्लोथ बन जाता है बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से रूम हो जाता है मैसी, और पूरा हफ्ता मम्मी से सुनती हूँ गाली गाली इज इन नॉट। तो आज मैंने वो सब थोड़ा सेट किया, अलमारी वगैरह में डाला तेल लगा के, एंड कुछ नई नई चीज़ें लाई थी वो सब सेट किया, मेकअप का सामान इधर उधर पड़ा था वो सेट किया, एंड अभी बना रही हूँ मैं पुलाव। बट पुलाव दिखाने से पहले व्हाट आई विल शो यू इज, सी देख रहे हो पापा, कैन यू सी व्हाट ही इज डूइंग, आई विल शो यू। पापा क्या कर रहे हो यहाँ? देखो कैमरा में मैं आपको शूट कर रही हूँ। पापा आज मम्मी नहीं है, मम्मी गई हुई है फॉर सम मीटिंग वर्क, एंड पापा बड़े प्यार से मटर छील रहे हैं। बीच में एक दो मटर खा के देखा कि नहीं पापा? कैसे है मटर, मीठे हैं? सो ही इज एंजॉयिंग हिज वर्क। इनको मटर छीलना बहुत पसंद है, मेरी दादी एंड माय पापा, दीज टू पीपल, इनको भी मटर बहुत ज़्यादा पसंद था, मुझे भी है एंड पापा को भी बहुत ज़्यादा है। तो व्हाट ही डज इज इसको छीलते छीलते एक दो, दैट्स व्हाई ही गेव सच अ क्यूट स्माइल, सो ही इज जस्ट एंजॉयिंग यू नो पीलिंग ऑफ दैट मटर। तो ठीक है पापा, कैरी ऑन। पुलाव की खुशबू आ रही है भाव, अच्छी आ रही है? सो या पुलाव बन रहा है, एंड आई शो यू नाउ पुलाव। उसके साथ में मैं क्या बना रही हूँ, लहसुन छील रही है, लहसुन और वो दो प्याज भी छीलना है बाबू। ओ पुतली ओ पुतली ओ पुतली ओ पुतली ओ पुतली ले पुतली ले पुतली ले, वो दो का प्याज भी छीलना है, तो वो प्याज, ये लहसुन, सूखी लाल मिर्ची दो, और साथ में टमाटर, इसकी मैं बनाऊंगी चटनी, एंड विद दैट वी आर गोइंग टू हैव दिस पुलाव, जो मैं भून रही हूँ उसकी खुशबू माशाल्लाह। तो इसके अंदर मैंने दिया है गोभी,
मटर, आलू, तेजपत्ता, एक मोटी इलायची, दो छोटी इलायची, अनरवा चावल, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक चम्मच नमक, बस। और ये बहुत टेस्टी बनता है। और मैंने यूज़ किया है सरसों का तेल, नो रिफाइंड ऑयल, नथिंग। एंड लास्ट में दूंगी एक चम्मच घी, जो कि घर की, क्योंकि घर का बना हुआ है, मम्मा बना के रखी है, बट वो अभी नहीं, कुकर जब सीटी लग जाएगा उसके बाद ढक्कन जब खोलूंगी तब एक चम्मच डाल के मिला के देन आई विल सर्व इट। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू हैव एज अ फूड। एंड संडे है तो आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा बाहर निकलूँ, एक दो चीज़ें लूँ। मेरे पास अच्छा जैकेट नहीं है, जो जैकेट है वो उसको गिलहरी ने थोड़ा कट कर दिया, ऑल्दो अंदर से कट किया है, पहन तो लूँगी ही मैं, बट एक सोच रही हूँ कि ले लूँ। संडे को एक मार्केट लगती है वहाँ पे ना, आपका वो जैसे चांदनी चौक, सॉरी सरोजनी नगर में जैसे कपड़े मिलते हैं ना, जिस टाइप के एक्सपोर्टेड इम्पोर्टेड वाले जो होते हैं ड्राई क्लीन होके, वैसा वाला मुझे वहाँ मास्टरपीस मिल जाएगा एक दो, तो मैं जाऊँगी, आई ट्राई टू फाइंड आउट, और अगर मौका मिला तो आई शो यू गाइज ऑल्सो। जो आप देख रहे हो इस सुंदर चीज़ को, ये है हमारी हुड़हुड़ दबंग। ये अभी आई है मीटिंग से एंड वहाँ पे हम अभी पुलाव चटनी खा रहे थे एंड ये रही मैडम। आउच आउच, वाओ, माय गुडनेस, आई वाज शॉक्ड टू सी हर। पहली बार मैंने मम्मी को ग्लासेस में देखा है एंड शी इज लुकिंग डैम गॉर्जियस गाइज। एंड गाइज, मेरे घर की ना यहाँ पे कुछ पुरानी हिस्ट्री है, पुरानी चीज़ें, यादें हैं। आप अगर इसके बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से वीडियो बना के दिखाऊंगी। देर इज़ लॉर्ड, मतलब आपने मेरे घर का हमेशा आगे का पार्ट देखा है, उस पार्ट का, इस पार्ट का पार्ट मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। तो इफ़ यू वॉन्ट टू सी सम हिस्ट्री रिलेटेड टू दिस, तो लेट मी नो, मैं आप लोगों को उसके बारे में हिस्ट्री बताऊँगी कि क्या क्या है। ये भी टूटने लग गया है, बट आई कैन टेल यू द इंटायर हिस्ट्री एंड मेमोरी, बट यू विल हैव टू आस्क मी फर्स्ट। मैं ऐसे ही फालतू का बना के दिखा दूँ तो बोलोगे क्या कबाड़ दिखा रही है। मुझे हिस्टोरिकल चीज़ें, पुरानी चीज़ें, मेमोरीज दिखाना पसंद है, बचपन की यादें, स्पेशली 90s किड कह लो या फिर आप जो बोल लो उसको, ठीक है ना, मेरे मुँह में वो वर्ड नहीं आ रहा, बट वॉट टू से, नॉस्टैल्जिया। मुझे नॉस्टैल्जिक चीज़ें दिखाना बनाना बहुत पसंद है, तो इफ़ यू वॉन्ट टू सी लेट मी नो, आई विल क्रिएट इट फॉर यू। सो या, किकी के जाने के बाद मैंने उसके ऊपर कुछ भी वीडियो नहीं बनाया और कुछ बोला नहीं है, मैं व्लॉग कर रही हूँ। मैंने फिर से दो तीन दिन से शुरू किया, फिर से नए तरीके से, नए तरीके से शुरू करेंगे, बट शी वॉज नॉट जस्ट अ पपी टू मी, शी वॉज माई चाइल्ड एंड आई कैन नॉट फॉरगेट हर। उसके लिए क्या बोलूँ मैं, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस वॉट शी वॉज, हाउ शी वॉज, बट राइट नाउ इट इज़ नॉट द टाइम, बिकॉज मैं ऑलरेडी एक डिप्रेशन में थी जब मैं किकी को लाई थी। आई ब्रॉट हर टू ओवरकम माई डिप्रेशन, बट मुझे पता नहीं था कि शी विल गो अवे। बहुत मिस्टेक हुई है, मेरी हिम्मत टूट गई है पेट पालने की, एंड आई जस्ट मिस हर। मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती, और फिर से आई विल पैक अप, आई विल यू नो बंडल अप, एंड उसके बाद हमारी, हम लोग बहुत बहुत अपसेट रहे हैं, उथल पुथल रहे हैं हमारे लाइफ में, बट अब धीरे धीरे एवरीथिंग इज़ कमिंग ऑन ट्रैक। एंड आई जस्ट होप एंड प्रे कि कभी आप कोई छोटे बेबी को मत लेके आना, और लाते हो तो मेक श्योर कि आप उसका पूरा चेक, यू चेक एवरीथिंग और फिर लाओ। एंड बस आज के व्लॉग के लिए इतना, एंड सी यू ऑल सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। एंड अभी से मे बी आई विल स्टार्ट कंटिन्यूइंग विद द व्लॉग्स एंड वीडियोज़ आते रहेंगे। एंड थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, लव यू गाइज, लव यू सो मच, एंड सपोर्ट करो चैनल को, हेल्प करो कि जल्दी से मोनेटाइजेशन तक पहुंच जाए। बहुत करीब पहुंच चुकी हूं मैं, और बहुत करीब पहुंच के इतना बड़ा झटका लगा, पहले कोविड की वजह से सब बंद हो गया था, फिर आई हैड माय पर्सनल प्रॉब्लम्स और अब की, बट ठीक है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 2020 टू गो अवे। सारी चीज़ें बुरी हुई हैं तो अच्छी चीज़ें ये भी हुई हैं कि मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, एंड आई एम जस्ट प्रेइंग कि बस अच्छे से चला जाए ये साल। बहुत डायनमिक रहा है, बहुत चीज़ें उलट पुलट की हैं इसने मेरे लाइफ में, एंड जस्ट प्रेइंग कि जितने भी लोग गए हैं, जिन्होंने फैमिली मेम्बर्स को लूज़ किया है, एनिमल्स को लूज़ किया है, पेट्स को लूज़ किया है, जो भी लूज़ किया है 2020 में, वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन आप सबको और मुझे, हम सबको हिम्मत मिलेगी, हम इस पेन से ओवरकम कर सकें और सब ठीक हो सके, वी कम बैक टू नॉर्मल लाइफ। आज मम्मी के साथ गई थी मैं रिलायंस, थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह की है, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट सब परेशान है, तो थोड़ा सा जस्ट ट्राइंग की थोड़ा निकल जाए। शाम के टाइम पे ये टाइम होता था कीकी के साथ खेलने का, तो हम लोग निकल जाते हैं, हमारा मन नहीं लगता घर में, तो आई एम व्लॉगिंग, ट्राइंग टू बैकअप, एंड
जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग हम सब के लिए, खुद के लिए, आप सब के लिए, कि हम सब जो भी पेन इस साल में हमारे लाइफ में आई हैं, गई हैं, हम सब उस सबको ओवरकम कर सकें और एक नई बिगनिंग करें। इसी के साथ मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ एंड आई लव यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।